बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, ये कल पहले मैंने गले की वीडियो, ये जो पठानी फ्रॉक के गले की जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, सिलाई मशीन सिलाई मैंने ये जो सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने सिलाई मशीन से लगवाई है, और इसके अंदर ये निडल वर्क हुआ हुआ है। ये शीशा किस तरह बनता है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक रिंग के ऊपर जिस तरह से बनता है वो मेथड, इसका सारा ट्यूटोरियल मैंने उसमें शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने ये गले का सारा मेथड आपसे शेयर किया है। तो अब मैं नीचे इसके डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूँगी, इसके बाजों का डिज़ाइनिंग किस तरह से होगी, और शलवार के ऊपर जो डिज़ाइनिंग हुई है वो आपको दिखाती हूँ, और इसकी फाइनल लुक इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो इसका दामन हमने कुछ इस तरह से बनाया है, ये देखें, ये दामन इसका इस तरह से बना हुआ है। ये पत्तियाँ बनी हैं, यहाँ पे शीशे लग गए हैं, वो तीन तीन मोती लग गए हैं। अब यहाँ पे इसकी लटकन लगेगी, वो मैं आपके सामने बनाती हूँ किस तरह से हम लगाएंगे। और आगे इसके वो लगेंगे छोटे छोटे कफ वाले बाजू लगेंगे, और उन वो जो बारीक हम कफ लगाएंगे उसके ऊपर शीशे लगेंगे। ये देखें इस तरह से बुकरम लगा के, तो मैंने इनको इस तरह से प्रेस करके सेट कर लिया। ये देखें, ये तकरीबन एक इंच एक पॉइंट के जितना इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इसकी खुला कितना आपने रखना, मैंने इसे तकरीबन 5 इंच रखूँगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा कितना आप खुला आपको चाहिए अपने नाप के हिसाब से। तो यहाँ पे सिलाई लगा के धागा खींच के तो हम आगे से इसको इसके बराबर करके अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से, इस तरह से धागा खींच के हम चौनट बना लेंगे, और जितना ये कफ है हमारा उसके बराबर कर लेंगे, और इसको स्टिच करने के बाद फिर हम इसके ऊपर ये वाले शीशे अटैच करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको पहले अटैच कर दिया तो फिर यहाँ पे हम सिलाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम पहले इसको स्टिच करेंगे, बाद में हम ये वाले शीशे अटैच करेंगे इसके ऊपर मल्टी शेड में, जैसे हमने दामन और ये पेटी के ऊपर किया है, और इसकी शलवार के पंचों पे भी काम हुआ हुआ है। तो ये बाजू रेडी करके तो मैं शीशे लगाती हूँ इसके ऊपर, इसकी फाइनल लुक इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो चले हैं जी, इसके बाजू में स्टिच करती हूँ। ये देखें चौनट मैंने इस तरह से कर लिए हैं कि सेंटर में मैंने चौनट यहाँ से, ये देखें कुछ मैं बैक साइड पे ले आई, ये देखें साइडों पे मैंने चौनट कर लिए हैं, यहाँ से मैंने, ये देखें सेंटर है इसका, यहाँ से मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो बाजू के बिल्कुल ऊपर जब होता है ना तो वो बहुत ही झोल एक साइड पर गिरता है, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चौनट चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पर सेट कर लिया, और इसकी ग्रेस ज़्यादा निकलती है, अच्छा लगता है यहाँ पर ये वाला, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा खुला नहीं बनाया, ये देखें मैंने मुनासिब साइज से खुला रखा। आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा खुला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा खुला बना सकते हैं। तो मैंने इसको तकरीबन, ये देखें इस तरह से मैंने इसके बराबर कर लिया। अब मैं इसके अंदर रख के इसको स्टिच करूँगी। ये देखें जब हम इस पट्टी को प्रेस करते हैं, तो जब हम नीचे वाला कपड़ा प्रेस करते हैं तो इतना सा इसको बढ़ा के करते हैं। ये देखें जब हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई नीचे वाले कपड़े के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा तकरीबन एक पॉइंट जो है वो ज़्यादा रखा जाता है इस तरह से। ये देखें इसको सेट करके मैं लेके आती हूँ, ये देखें इतना तकरीबन ये ज़्यादा है, तो इसके ऊपर जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये नीचे वाला स्टिच हो जाएगा। इस तरह से आपने रखना है, इसके अंदर सेट कर लेना है, जहाँ तक हमने ये सिलाई लगाई इसके जितना हम इसे अंदर दबाव देंगे ताकि ये निकले ना, और वैसे भी शीशे ऊपर लग जाने तो टांके डबल ट्रबल इसके ऊपर लग जाने, निकलेगा तो वैसे भी नहीं। तो यहाँ पे हम इसको अंदर सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे ऊपर से, बस एक ही सिलाई लगाएंगे, ऊपर हमने शीशे अटैच कर लेने। ये देखें इस तरह से सेट कर लेंगे हम, जो धागे वाली हमारी सिलाई लगी हुई थी वो हम इस तरह से छुपा लेंगे, और यहाँ पे एक ही सिलाई में इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, अब इसके ऊपर शीशे लग जाएंगे। ये देखें ये रिंग हमने, ये देखें प्लास्टिक के रिंग थे। अगर कोई आप में से देखने वालों में से कोई आज हमारी वीडियो पे नए हैं तो मैं उसके लिए ये बता रही हूँ कि ये हमने प्लास्टिक का रिंग ले लिए थे, जो एम्ब्रॉयडरी करना जानते हैं उन्हें समझ आ गई होगी, प्लास्टिक के रिंग के ऊपर ये तैयार हुआ है। और ये वाले शीशे, ये देखें ये इस तरह से शीशा नीचे रखेंगे हम, और ऊपर इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। ये देखें
इस तरह से, जैसे बाजार से आजकल बने बनाए मिल जाते दर्जन के हिसाब से पैकेट जो हम लेते हैं, तो वो इस तरह से। तो लेकिन ये हमने खुद तैयार करवाए, इसके साथ हमने थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रखवा लिया है। तो ये देखें, तो ये इस तरह से हम ये हर दफ़ा हमें मतलब अलग से धागा नहीं लेना होगा, हम यही धागा हम निडल में डालेंगे और इसी के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखें मैंने इसे डाल लिया, इसी के साथ मैं इसे अटैच करूँगी स्कार्फ के ऊपर। लेकिन ये कि वो इसे मैंने किस तरह से किया, ये मैंने जब मैंने इस फ्रॉक का नेक तैयार किया उसमें मैंने मुकम्मल सारी डिटेल्स है उसमें बताया कि किस तरह से ये तैयार हुआ है। ये देखें, ये इस तरह से प्लास्टिक के रिंग मिल जाते हैं ये वाले, इसके ऊपर इसको कैसे बनाया है वो मैंने उसमें बताया हुआ, आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, आप चैनल का विजिट कर लें, आपको इंशाल्लाह वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो ये देखें इस तरह से इसके ऊपर ये वाला जो रिंग हमने तैयार कर लिया, और तैयार करते वक्त जब इसके मुकम्मल किया तो इतना धागा हमने एक्स्ट्रा छोड़ लिया। अब हम शीशा नीचे रखेंगे, निरर में धागा हमने ये सेम डाला हुआ है, तो इसी के साथ हम इसे अटैच कर लेंगे, ठीक है जी। और ये अब मैं इसके ऊपर शीशे अटैच करूँगी, अब मैं इसके बाजू अटैच करूँगी। ये देखें, वैसे तो मैं फिटिंग के सिलाई लगा के तो फिर बाजू अटैच करती हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर पफ बनेगा, हल्के से चूनट आएंगे, तो वैसे तो हम धागा सिलाई लगा के तो वैसे भी लगा लेते हैं, लेकिन ये कि इसमें मैं इसको इस तरह से सी रही हूँ ताकि अगर खुला भी करना पड़े तो मैं आसानी से कर पाऊँ, इसलिए मैं इसको इस तरह से जोड़ रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर बाजू फिटिंग की सिलाई लगा के बाजुओं को भी स्टिच करके ज़्यादातर हम इसी तरह अटैच करते हैं, लेकिन इसके मैं इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। ओपन ही मैंने इसको अभी छोड़ा हुआ है, साथ ही मैं इसकी सिलाई बाजुओं की लगा लूँगी, साथ ही फिटिंग की सिलाई लग जाएगी। ये देखें बाजू के इस तरह सेंटर में, ये जो शोल्डर का जॉइंट है यहाँ पे थोड़े से हमारे ये जॉइंट आए हैं। अब फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये देखें मैंने इतना सा मार्जिन छोड़ लिया था, शीशे मैंने थोड़े हटा के पीछे फिर लगाए हैं, जहाँ पे हमारी सिलाई आएगी वहाँ पे मैंने अभी नहीं अटैच किए, ये जितना खुला हमें चाहिए वहाँ तक मैंने लगा लिया। ये शीशा लगा हुआ है दोनों साइडों पे, तो ये काफ़ी मोटा है, ये डबल पैर के साथ इसकी सिलाई होगी नहीं, तो मैंने यहाँ पे हाफ पैर लगा लिया पाइपिंग वाला। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए ये देखें फ्रॉक की पेटी के ऊपर मैंने मुकम्मल ये वाला पेपर अटैच कर लिया था जहाँ पे हमारी डिज़ाइनिंग हुई है, और इसकी साइडों पे भी पत्तियाँ शायद मैं बनाऊँ, नहीं तो नीचे इसके वो चेने बनेंगी। और ये देखें इस तरह से ये मैंने सारे बुकरम लगा लिए। अब अगर हमें थोड़ी बहुत फिटिंग चाहिए होगी तो हम ईजीली यहाँ से इसकी फिटिंग कर सकेंगे, तो इसलिए क्योंकि मैंने इसको टॉप बनाया है शॉर्ट में पठानी फ्रॉक, तो इसके साथ शलवार बनेंगी। अब इसकी दामन के ऊपर जो मैंने पत्तियाँ बनाई हैं वो आपसे शेयर करती हूँ, कि वो मैंने कल ये वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है जो मैंने गले की वीडियो डाली है। ये देखें इसके दामन के ऊपर ये हमने मशीन से ये सिलाइयाँ लगा ली थी इस तरह से, यहाँ पे हमने शीशे और ये मोती अटैच कर ली हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस से, 3-3 इंच का तकरीबन ये यहाँ पर इनका अंदर जो फासला है वो तकरीबन 3 इंच का है, और ऊपर ये देखें 7-7 इंच के फासले पे हमने ये 3-3 शीशे लगा लिए हैं, ऊपर 3 पत्तियाँ बना दी हैं। तो इसकी ये लुक चेक करें, इसी तरह हमने शलवार के ऊपर की है। अब मैं शलवार के ऊपर इन पत्तियों को घर पे आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बाज़ार से अगर नहीं भी आप ट्रेस करवा रहे, तो ये देखें इसको हमने खुले पैर के फासले पर हमने ये सिलाइयाँ लगाई हैं। इसको मैंने किस तरह से रेडी किया है, ये गले का जब मैंने तैयार किया था तो इसमें मैंने पूरा मेथड आपसे शेयर किया हुआ है। अगर आपको इसका तरीका चाहिए तो आप ये वाली वीडियो गले वाली लाजमी देखिए, उसमें आपको इंशाल्लाह इसका सारा तरीका मिल जाएगा कि इसको मैंने किस तरह से रेडी किया, बोवन में कैसे भरा, कितने धागे भरे हैं, डबल है या सिंगल है। तो ये देखें यहाँ पे हमने ये देखें इतना फासला छोड़ दिया, ये तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट है, इसमें हमारा ये शीशा लगा और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हमने ये मोती लगा दिए। ऊपर मैंने पत्तियाँ कैसे ड्रॉ की हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये पाइचे के ऊपर हुई है सारी डिज़ाइनिंग, ये देखें यहाँ पर सिलाइयाँ थोड़ी ज़्यादा लगाई हैं, उसके ऊपर 4-4 सिलाइयाँ लगी हैं, इसके ऊपर 6-6 लगी हैं, ठीक है। और उसका यहाँ पे ये जो शेडो टांका किया हुआ वहाँ पे सिंगल धागे से किया, इसको हमने डबल धागे से किया क्योंकि इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा था, और इसके अंदर हमने मोती नहीं लगाए,
इसके अंदर सेंटर में हमने एक एक पत्ती बना दी है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ऊपर, ये देखें इस तरह से, ये शलवार का ये साइड वाली साइड सेंटर पांचे का, और ये दोनों साइडों पे तीन तीन शीशे लग गए इसके इस तरह से। तो इसको किस तरह से मैंने ड्रॉ किया वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह से मशीन से सिलाइयाँ लगा ली और इसके अंदर ये शेडो टांका कर लिया। अब यहाँ पे शीशे लगेंगे और ऊपर हमारी पत्तियाँ बनेंगी। ये देखें शलवार को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया, ये इसका सेंटर, ये देखें। अब यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, जहाँ तक आपकी सिलाई आएगी वहाँ उसका मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे आपने इसका सेंटर निकाल देना है, ठीक है। सेंटर निकाल के वहाँ पे आपने तीन छः शीशे और एक पत्ती ऊपर वाला, वो डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। और यहाँ पे सेंटर में एक शीशा लगेगा और तीन पत्तियाँ बन जाएगी, ठीक है। सेंटर में ये जो हमारा सेंटर बनेगा, इस सेंटर में हमारे शीशे लगने, बाकी सारी पत्तियाँ बनेंगी, ठीक है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 8 इंच है, तो 4 इंच पे हमारा सेंटर निकल आया। ये देखें चाहे तो इंची स्टेप से लगा लें, चाहे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए शलवार को आप एक दफ़ा और फोल्ड करके रख लें वहाँ पे जहाँ पे आपकी सिलाई आनी है। अब इसका सेंटर जो है वो यहाँ पे निकल रहा है, इसको हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे क्योंकि हमारी ऊपर पत्तियाँ भी बननी, तो हमें वो मार्क भी यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे तीन शीशे लगेंगे और ऊपर तीन पत्तियाँ बनेंगी, तो हमें यहाँ तक हमें ये निशान गाइडलाइन मिल गई। ये देखें यहाँ तक हम अपना सेंटर यहाँ से, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, और ये सेंटर इसका शलवार की, ये देखें। इस तरह से आप शीशे रख लें, चाहे तो चौक से निशान लगा लें, चाहे तो इस तरह से आप सेट करके रख लें और साइडों पे हमारी पत्तियाँ ड्रॉ हो जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो अब ये देखें हम यहाँ पे पत्तियाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमारी पत्ती ड्रॉ होगी, इस तरह, फिर इस तरह, और यहाँ पे यूँ, ये इस शेप में हमारी पत्तियाँ ड्रॉ होंगी। यहाँ पे 1 2 3 4 चार हमारे यहाँ पे बल लगेंगे, चार दफ़ा हम टांका लगाएंगे तो ये पत्ती कंप्लीट हो जाएगी। अराउंड इसके ब्लैक धागा लगाएंगे, तो ये जो पत्ती मैंने किस तरह से इसको मैंने कढ़ाई किस तरह से इसकी हुई है, किस तरह से इसको एम्ब्रॉयडरी की है, वो तरीका मैंने जो इसके फ्रॉक का मैंने गला जो तैयार किया था उसकी उस वीडियो में आपको मिलेगा इसका सारा मेथड। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप बाज़ार से ना भी ट्रेस करवाएं तो आप इस तरह से खुद ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी पत्ती का जितना डिस्टेंस आपने रखना है वो आपकी मर्ज़ी है, आपने थोड़ा फासले पर रखना फासले पर रख लें। वैसे ये साथ जुड़ी हुई अच्छी लगती हैं, ये देखें इस तरह से। तो आप सारी पत्तियाँ नहीं तो आप थोड़ा सा एक पत्ती कटिंग कर लें छोटी सी और उसको रखें और उसके साथ साथ ट्रेस कर लें इस तरह से, तो ये सारी हमारी इस तरह से ट्रेस हो जाएंगी और हमारा डिज़ाइन इस तरह से हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो मैं अभी फ्रॉक को नीचे से फिनिशिंग लगाऊंगी, शलवार को मुकम्मल रेडी करूँगी और पहने हुए कि इसको फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी, तो हमारे साथ रहिएगा। ये देखें व्यूअर्स, दोनों पांचे मैंने रेडी कर लिए। ये पत्ती को मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरह से इसे ड्रॉ किया है, लेकिन वो किसी वजह से शूट नहीं हो पाया, तो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया था। ये देखें यहाँ पे हमारी तीन पत्तियाँ बननी हैं। ये जो हमारा ये डिज़ाइन जो बना हुआ है इसके मिड में से हमने, ये देखें ये कोना इस तरह से बना लेना, एक पत्ती हमारी इधर बनेगी, ये देखें, और एक इस साइड पर। ये आपको अगर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा तो मैं अभी डार्क करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये दोनों पत्तियों के सेंटर में से, ये देखें यहाँ से तकरीबन 2 पॉइंट का हम स्पेस रखेंगे यहाँ पे, ये देखें इस तरह से यहाँ पे, ये इस तरह से इसकी शेप बनेगी, इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेंगे। ये सारी पत्तियाँ मैंने इसी तरह ड्रॉ की हैं स्क्वायर में, ये देखें इस तरह से, जहाँ जहाँ पे हमने ड्रॉ किया वहाँ से एक साइड से टांगा उठाएंगे और दूसरी साइड से हम नीचे ले जाएंगे, 4 से 5 बार लगेंगे अगर पत्ती हमारी ये मुकम्मल हो जाएगी इस तरह से, ये शेप इसकी मुकम्मल होगी। ये देखें तीनों पत्तियाँ हमने कंप्लीट कर ली,
अब इसके अराउंड जो जो ब्लैक धागा लगा है, अब मैं वो लगाऊंगी, वो किस तरह से लगाते हैं ये देखें। एक कोने से हमने यहाँ से ये देखें, अब यहाँ पे आ जाएं। अब इसके ये जो कोना इसका बना हुआ है, इसके मिड में आके अब हमने दूसरी साइड से ले आना है, ये देखें इस तरह से। अब इस कोने से हम यहाँ पे जाएंगे। अब इसको कोने से कोना मिलाते हुए हम यहाँ से नीडल को निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से, इस तरह से। देखें मैं तकरीबन 9 मोती मैंने इसमें डाल लिए इस तरह से। ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैं लगा रही, इसकी फिनिशिंग पे हम ये देखें। अब इस इनके अंदर से दोबारा वापस ले जाएंगे नीडल को, फिनिशिंग पे हमारा ये सितारा लग जाएगा। और इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना ताकि ये ऊपर खड़ा ना रहे, बल्कि हल्का सा लूज आपने छोड़ना है ताकि ये नीचे इस तरह से लटके। और एक टांका हम इसके ऊपर से और लगाएंगे, ये देखें जहाँ से हमने नीडल को निकाला और मोती सारे लगाए हैं वहीं से हमने नीचे कर लेना है, इधर से लगा के टांका एक दो मोतियों के नीचे आके, तो यहाँ पर इस धागे के ऊपर स्टिच हमने लगा देना है दोबारा से, ताकि ये नीचे की तरफ ठहरा रहे इस तरह से। तो ये इस तरह से नीचे ऊपर को नहीं उठेगा ना दाएं बाएं जाएगा, यहाँ पे मैंने इसे टांका लगा दिया इसलिए इसकी ढटकन जो है यहीं पर ठहरी रहेगी, ये देखिए। ये इसका दामन और नीचे हमने इसके लटकन लगा दिए इस तरह से, बाजू हमने इसके इस तरह से बनाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो अब मैं आपको इसको पहने हुए की लुक दिखाती हूँ मुकम्मल शलवार की डिज़ाइनिंग के साथ। ये देखिए व्यूअर्स, शलवार की डिज़ाइनिंग इस तरह से हुई है। जैसे हमने दामन पे डिज़ाइनिंग की थी इसी तरह हमने शलवार के नीचे की है पैंचों पे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बच्चों के अक्सर ही मतलब के स्कूल में ये कल्चर ड्रेस वगैरह पे पहने जाते हैं और वैसे भी इस तरह के पहने हुए प्यारे लगते हैं, ये सिंधी बलोची पठानी स्टाइल में। तो मतलब कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ज़रा सी मेहनत आप अगर ख़ुद कर लें तो मतलब कि 400-500 से ज़्यादा नहीं होगा इसका जो मटेरियल मैं लेके आई हूँ। तो अभी मटेरियल इसमें से कुछ बच भी गया, मैं 500 का तकरीबन लेके आई थी तो इसके ऊपर मतलब काफ़ी मटेरियल यूज़ हुआ है लेकिन अभी भी कुछ बच गया है। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें जी, और कुछ भी इसके बारे में पूछना हो, एम्ब्रॉयडरी का मुकम्मल तरीका मैंने जो है वो मैंने जब इसके गले वाली वीडियो डाली है ना, इस फ्रॉक के गले की वीडियो मैंने अलग से डाली है, उसमें टोटल सारा एम्ब्रॉयडरी का सारा तरीका मैंने उसमें शेयर किया हुआ। इसमें बाजुओं का और इसके नीचे ये जो लटकन लगी है इसका मैंने कुछ चीज़ें इसमें शेयर की हैं, बाकी सारा ये जो है इसका सारा तरीका मैंने गले की वीडियो अलग से डाली है, उसमें मैंने ये सारा आपसे शेयर किया हुआ है। अगर आपको इसका तरीका चाहिए तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, हमारे चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह वो वाली वीडियो मिल जाएगी। और ये देखें इसके बाजू कितने डिसेंट से लग रहे हैं, ये बारीक सी कफ लगाई है हमने इसके ऊपर, ये देखें इस तरह से चोनट में इसके यहाँ पे लेके आई थी, ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो मिलते हैं व्यूवर्स आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।